यदि आप भी एक बिगिनर हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं माइक को लेके कि कौन सा माइक लें कौन सा ना लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी में मैं एक छोटी सी टिप देने वाला हूँ जो माइक से रिलेटेड है और कैमरे की सेटिंग से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो आपके शायद काम आ जाए, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा माइक आपको लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जिस माइक से बात कर रहा हूँ वो है बोया का BY-MM1 शॉटगन माइक। ये माइक सीधे डायरेक्ट कैमरे में या आपके मोबाइल में कनेक्ट हो सकता है। मोबाइल के लिए और कैमरे के लिए अलग केबल आती हैं, एक TRSS और एक TRS करके, दो अलग अलग, एक मोबाइल के लिए पर्टिकुलर होती है और एक आपके DSLR के लिए होती है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये एक्सटर्नल माइक बोया BY-MM1 शॉटगन माइक की है, और इसके बाद जो आपको मैं अपनी आवाज़ सुनाऊँगा वो कैमरे के इनबिल्ट माइक की होगी। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो कैमरे की इनबिल्ट माइक की है, कोई एक्सटर्नल माइक इस पे फिट नहीं किया गया है। इसके पहले मैं बोया BY-MM1 शॉटगन माइक से आवाज़ को, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा था, तो आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि कितना डिफरेंस आता है। और मेरे आजू बाजू ऐसा एनवायरनमेंट है, पूरा पानी वानी का मौसम है और सब कुछ है, हवा भी चल रही है। जब मैंने माइक लगाया था तो किस तरह की आवाज़ आ रही थी और अब किस तरह की आवाज़ आ रही है, ये लोग आप ये सब चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने फिर से अपना माइक कैमरे में लगा लिया है और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो शॉटगन माइक की है। और अब मैं लेवलियर माइक्रोफोन होता है जो बोया का BY-MM1 माइक होता है, उसको अपने कैमरे में लगा के वॉइस टेस्ट करूँगा और साउंड क्वालिटी में डिफरेंस आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY-MM1 लेवलियर माइक्रोफोन की है। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और बोया BY-MM1 है, और इसके पहले जो मैं ऑडियो टेस्ट कर रहा था वो बोया BY-MM1 है, ये बोया BY-MM1 है और वो MM1 है। तो वो शॉटगन माइक है और ये लेवलियर केबल वाला वायर वाला माइक है। तो दोनों की साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है आप लोग चेक कर सकते हैं। और अभी आप कैमरे का इंटरनल माइक की फिर से आवाज़ सुन लीजिए ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि माइक और माइक के बिना ये कैसा साउंड कर सकता है। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं मैंने निकाल लिया है ये, तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो कैमरे के इंटरनल माइक की है। मेरा DSLR है 200D और कैसा साउंड करता है, अभी विंडी मौसम भी है, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है और ये माइक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको कॉलर माइक भी कहते हैं। तो ये माइक मैंने निकाल लिया है ताकि आप लोगों को अंतर समझ में आए कि माइक लगाने के बाद कैसी साउंड क्वालिटी आती है और माइक के बिना कैसी साउंड क्वालिटी रहती है। ठीक है, अभी मैं माइक फिर से फिट करने वाला हूँ इस पर, और आप अभी फिर से मतलब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है बोया BY-MM1 लेवलियर माइक्रोफोन की। पर इसमें एक झंझट है गाइस, इसमें ये होता है कि एक DSLR के लिए ये रहता है, ये ऑप्शन रहता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक कैमरे के लिए रहता है, एक स्मार्टफोन के लिए रहता है। कई बार हम ऑन करना है तो ऊपर करना पड़ेगा तो मेरी आवाज़ आएगी, आप अगर स्मार्टफोन की तरफ इसको मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY-MM1 शॉटगन माइक से है, और इसको मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरा मोबाइल है। वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा जेलो इफेक्ट में मिलेगा आपको वीडियो में देखने को, बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है, ये वीडियो है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना मतलब मोबाइल से भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि DSLR से तो शूट करके आपको वॉइस क्वालिटी सुना दी, अब मैं आप लोगों को मोबाइल से। एक सेकेंड गाइस, अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो मोबाइल के इंटरनल माइक की थी, बोया के शॉटगन माइक की नहीं थी, क्योंकि मैंने जो केबल होती है जो TRRS उस पर लगती है उसकी जगह मैंने वही जो DSLR में TRS केबल लगती है उसी से मैंने मोबाइल में कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्ड करी थी। मैं भूल गया था केबल को स्विच करना, तो जिसके कारण मोबाइल के इंटरनल माइक से ही वॉइस रिकॉर्ड हुई है। तो अभी मैं फिर से आप लोगों को अपने मोबाइल में TRS केबल के थ्रू बोया शॉटगन माइक की वॉइस सुनाता हूँ।
तो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो बोया की शॉटगन माइक की है, और इसको मैंने TRRS केबल से कनेक्ट करके लगाया है। तो अब इसके एक्सटर्नल माइक बोया के शॉटगन माइक से जो रिकॉर्ड हो रही है वॉइस, वो इसकी एक्सटर्नल माइक की है, इंटरनल माइक की नहीं है। उसके पहले मैंने वहाँ पे गलती से जो DSLR में केबल कनेक्ट होती TRS, उसी को मोबाइल में कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी। तो अब आप लोग सुन सकते हैं कि मतलब मोबाइल में ये शॉटगन माइक की साउंड क्वालिटी कैसी रहती है। तो चेक करिए और डिफरेंस देखिए। ये जो केबल है ये DSLR में कनेक्ट होती है, और ये वाली केबल जो है वो सेलफोन में कनेक्ट होती है। यहाँ पे लिखा भी है माइक्रोफोन, और ये पीछे निशान भी दिया है सेलफोन का, स्मार्टफोन का ये दिया है। तो जल्दी जल्दी में कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि ये केबल को स्विच करना रहता है जब आप शॉटगन माइक का यूज़ करते हैं, लेकिन लेवलियर माइक में सिर्फ एक बटन दबाना रहता है ऊपर नीचे, और यहाँ पे केबल आपको केबल चेंज करनी पड़ती है जब आप DSLR और फोन में स्विच करते हैं। तो तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे मोबाइल के इंटरनल माइक की है, इसमें मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक फिट नहीं किया है। आप लोग को वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है, आप लोग को एक डिफरेंस पता चल जाएगा। और अभी थोड़ी सी हवा भी चल रही है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप मोबाइल में, सेलफोन में खासकर, आप मतलब कोई एक्सटर्नल माइक फिट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ना ओपन कैमरा एक ऐप है, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उस पर एक्सटर्नल माइक आपका अच्छा वर्क करेगा, उस पर बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, तो वो आपको वीडियो बनाने में बहुत हेल्पफुल होगी और आपकी ऑडियो क्वालिटी ओपन कैमरा में ज़्यादा बेटर तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो मैं भी अभी अपने ओपन कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा कि जब शॉटगन माइक यूज़ किया था तब कैसी वॉइस क्वालिटी थी और अब कैसी वॉइस क्वालिटी आ रही है। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो है बोया BY-M1 लेवलियर माइक्रोफोन की। इसके पहले आप शॉटगन माइक्रोफोन बोया का BY-M1 उसकी आवाज़ सुन रहे थे, और अभी आप सुन रहे हैं बोया BY-M1 लेवलियर माइक्रोफोन की। इसमें और उसमें दोनों की आवाज़ में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको केबल की तार निकाल ली है, इसके बाद इंटरनल माइक की वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में जाएगा कि मतलब माइक के लगा एक्सटर्नल माइक लगाने के बाद क्या वॉइस क्वालिटी होती है और निकालने के बाद कैसी वॉइस क्वालिटी होती है। और अभी विंडी मौसम भी है, बरसात का, मानसून का सीज़न चल रहा है, काफ़ी सारे क्लाउड भी है और यहाँ पे ये फूल वगैरह खिले हुए हैं, हवा चल रही है। तो आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में जाएगा। अभी मैंने ये केबल लगा देना है और फिर वॉइस क्वालिटी सुनते हैं। और केबल लगाने के बाद ये भूल मत जाना कि आपको ना इसमें एक दो ऑप्शन रहते हैं, मेरा फोकस कर जाए, बस फोकस नहीं हो रहा मोबाइल से। तो ये एक एक DSLR के लिए, ऊपर जो कैमरास लिखा है ना वो DSLR वगैरह के लिए यूज़ होता है, और नीचे होता है स्मार्टफोन के लिए। तो हमेशा इसको, अगर आप इसको ऐसा करेंगे तब आपकी आवाज़ सही से रिकॉर्ड होगी जब आप मोबाइल फ़ोन वगैरह से शूट करते हैं। तो ये दो डिफरेंस है, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जब आप इससे रिकॉर्ड करते हो वॉइस को। तो दोनों का अलग अलग यूजेस है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। थोड़ी बहुत वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आता है, लेकिन मुझे वो शॉटगन माइक ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें आपको एक मतलब इतना झंझट नहीं रखना पड़ता, सीधे आप उसको माउंट करें अपने कैमरे में, और फिर उसको उससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मुझे इसलिए बेकार लगता है कि इसमें इतनी बड़ी केबल को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, हालांकि उतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। और ये 800-900 का आता है, ये वाला माइक है, और वो जो माइक्रोफोन होता है शॉटगन माइक्रोफोन वो 2000 के आसपास आने लगा है आजकल। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया है। अभी आज ही कल मैं ये माइक लिया हूँ, परचेस किया हूँ। मेरे पास बोया का लेवलियर माइक पहले से था, शॉटगन माइक मैंने अभी अभी परचेस किया है, तो मुझे थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी अच्छी लग रही है पहले के मुकाबले, तो मुझे इतना तो अंतर समझ में आ रहा है। और आप लोग जब तक परचेस नहीं करोगे ना, आप लोग वीडियो कितना भी देख लो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, लेकिन जब तक आप लोग किसी चीज़ को परचेस नहीं करोगे ना, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए आपको किसी चीज़ को बाय करना पड़ता है।
और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन दोनों माइक में, तो आपको मैं अपने मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों माइक की जो अमेजोन से आप खरीद सकते हैं दोनों की लिंक सेंड कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके अपना परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मैंने कहा था कि एंड में मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा। वो छोटी सी टिप ये है कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें तो मैनुअल पे ही रिकॉर्ड करें, और सबसे पहले जाके आप जो रिकॉर्डिंग लेवल होता है ना उसको बढ़ा दें, और उसी के नीचे विंड फिल्टर ऑब्लिक एटोनेटर करके एक ऑप्शन होता है, तो उस एटोनेटर के ऑप्शन को इनेबल कर दें, तो आपकी आवाज़ जो वॉइस क्वालिटी होगी ना वो और ज़्यादा निखर के आएगी, वो और ज़्यादा शार्प होगी, आपकी वॉइस क्वालिटी और बेहतर होगी। आप एक बार ट्राई करके देखें, आपको कुछ समझ में आएगा। तो गाइज़ मेरी ये वीडियो सिर्फ बिगनर लोगों के लिए है जो यूट्यूब में मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा बजट माइक्रोफोन की तलाश में रहते हैं, और हम बजट माइक्रोफोन की तलाश में रहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा माइक्रोफोन लें कौन सा ना लें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बजट में। यदि अपना बजट बहुत अच्छा है तो अपन को अच्छा ऑप्शन फिर मिल ही जाता है, लेकिन जब अपन मीडियम लेवल पे या बेसिक लेवल पे जब अपन बिगनिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो उस लेवल पे अपने साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो अपन को समझ में नहीं आता कि कौन सा लें। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। और मैंने भी अभी अभी ये नया माइक लिया है, तो मुझे तो काफ़ी मतलब फ़र्क समझ में आया है इस माइक को लेने के बाद। लेवलियर माइक्रोफोन से ये शॉटगन माइक्रोफोन बेटर है, क्योंकि इसकी आवाज़ में थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है, आपको थोड़ी सी ये ऑडियो क्वालिटी बेहतर देगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।